नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है होटल की एक हसीन रात, अ सीक्रेट नाइट इन होटल। अप्रैल के तीसरे सप्ताह में नोएडा की रहने वाली रश्मि जब भी अपना फेसबुक अकाउंट खोलती, उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट में एक अनजान शख्स की रिक्वेस्ट जरूर दिखाई दे जाती। वह जानती थी कि आवारा शरारती और दिल फेंक किस्म के मंचले युवक लड़कियों की कवर फोटो और प्रोफाइल देखकर ऐसी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा करते हैं। अगर इनकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली जाए तो जल्द ही ये रोमांस और सेक्स की बातें करते हुए नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करने लगते हैं। आमतौर पर ऐसी फ्रेंड रिक्वेस्ट पर समझदारी दिखाते हुए रश्मि ध्यान नहीं देती थी, इसलिए इस पर भी उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह बैठे बिठाए आफत मोल नहीं लेना चाहती थी। लेकिन 20 अप्रैल को उसने इस अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ एक टैगलाइन लगी देखी तो वह बेसाख था चौंक उठी। वह लाइन थी, अ सीक्रेट नाइट इन होटल। इस टैगलाइन ने उसे भीतर तक न केवल हिलाकर रख दिया बल्कि गुदगुदा भी दिया। उसे पढ़कर अनायास ही वह 20 दिन पहले की दुनिया में ठीक वैसे ही पहुंच गई जैसे फिल्मों के फ्लैशबैक में नायिकाएं पहुंचने से खुद को रोक नहीं पाती। कीबोर्ड पर चलती उसकी उंगलियां थम गई और दिलो दिमाग पर ग्वालियर छा गया। वह वाकई सीक्रेट और हसीन रात थी। जब उसने पूरा वक्त पहले अभिसार में अपने मंगेतर विवेक के साथ गुजारा था, जिंदगी के पहले सहवास को शायद ही कोई युवती कभी भुला पाती है। वह वाकई अद्भुत होता है जिसे याद कर अरसे तक जिस्म में कपकपी और झुरझुरी छुटा करती है। रश्मि को याद आ गया जब वह और विवेक दिल्ली से ग्वालियर जाने वाली ट्रेन में सवार हुए थे तो उन्हें कतई गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। उसके कहने पर ही विवेक ने रिजर्वेशन एसी कोच के बजाय स्लीपर क्लास में करवाया था। दिल्ली से ग्वालियर लगभग 5 घंटे का रास्ता था। कैसे बातों बातों में कट गया इसका अंदाजा भी रश्मि को नहीं हो पाया। आगरा निकलते निकलते रश्मि के चेहरे पर पसीना चहचहाने लगा तो विवेक प्यार से यह कहते हुए जल्ला भी उठा, तुमसे कहा था कि ऐसी कोच में रिजर्वेशन करवा ले, पर तुम्हें तो बचत करने की पड़ी थी, अब पोंछती रहो बार बार रुमाल से पसीने को। विवेक और रश्मि की शादी उनके घर वालों ने तय कर दी थी जिसका मुहूर्त जून के महीने का निकला था। चूंकि सगाई हो चुकी थी इसलिए दोनों के साथ ग्वालियर जाने पर घर वालों को कोई एतराज नहीं था। यह आजकल का चलन हो गया है कि एंगेजमेंट के बाद लड़का लड़की साथ घूमे फिरे तो उनके घर वाले पुराने जमाने की तरह ऊंच नीच की बातें करते टांग नहीं अड़ाते। रश्मि को अपनी रिश्तेदारी के एक समारोह में जाना था जिसके बाबत घर वालों ने ही कहा था कि विवेक को भी ले जाओ तो उसकी रिश्तेदारों से जान पहचान हो जाएगी। बार बार पसीना पोंछती रश्मि की हालत देखकर विवेक खीज रहा था कि इससे तो अच्छा था कि ऐसी में चलते, उसे परेशानी तो न होती। प्यार की बात का जवाब भी प्यार से देते रश्मि उसे समझा रही थी कि उसका साथ है तो क्या गर्मी और क्या सर्दी, वह सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी। बातों ही बातों में रश्मि ने अपना सिर विवेक के कंधे पर टिका दिया तो सहयात्री प्रेमी युगल के इस अंदाज पर मुस्कुरा उठे। लेकिन उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। ट्रेनों में ऐसे दृश्य अब बेहद आम हो चले थे। आगरा निकलते ही विवेक ने उससे वह बात कह डाली
जिसे वह दिल्ली से बैठने के बाद से दिलो दिमाग में जब्त किए बैठा था कि क्यों ना हम रिश्तेदार के यहाँ कल सुबह चलें। वैसे भी फंक्शन कल ही है, आज की रात किसी होटल में गुजार लें। यह बात शायद रश्मि भी अपने मंगेतर के मुंह से सुनना चाहती थी, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर शर्म के चलते वह एकदम से कह नहीं पा रही थी। दिखाने के लिए पहले तो उसने बहाना बनाया कि घर वालों को पता चल गया तो वे क्या सोचेंगे। इस पर विवेक का रेडीमेड जवाब था, उन्हीं के कहने पर तो हम साथ जा रहे हैं और फिर बस 2 महीने बाद ही तो हमारी शादी होने वाली है, उसके बाद तो हमें हर रात साथ ही बितानी है। इस पर रश्मि बोली, तो फिर उस रात का इंतजार करो, अभी से क्यों उतावले हुए जा रहे हो। रश्मि का मूड बनते देख विवेक ऊंच नीच के अंदाज में बोला, अरे यार, क्या तुम्हें भरोसा नहीं मुझ पर। यह एक ऐसा शाश्वत डायलॉग है जिसका कोई जवाब किसी प्रेमिका या मंगेतर के पास नहीं होता, और जो होता है वह सहमति में हिलता सिर वह जवाब होता है। तुम पर भरोसा है तभी तो सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है, रश्मि ने कहा। यही जवाब विवेक सुनना चाहता था। जब यह तय हो गया कि दोनों रात एक साथ किसी होटल के कमरे में गुजारेंगे तो बहने वाली पसीने की तादाद तो बढ़ गई पर बरसती गर्मी का एहसास कम हो गया। दोनों आने वाले पलों की सोच सोच कर रोमांचित हुए जा रहे थे। अलबत्ता रश्मि के दिल में जरूर शंका थी कि धोखे से अगर किसी जान पहचान वाले ने देख लिया तो वह क्या सोचेगा। अपनी शंका का समाधान करते हुए वह विवेक की आवाज में खुद को समझाती रही कि सोचने दो, जो जिसे जो सोचना है, आखिर हम जल्द ही पति पत्नी होने जा रहे हैं, आजकल तो सब कुछ चलता है, और कौन हम होटल के कमरे में वही सब करेंगे जो सब सोचते हैं। हमें तो रोमांस और प्यार भरी बातें करने के लिए एकांत चाहिए जो हमें मिल रहा है, तो मौका क्यों हाथ से जाने दे। ट्रेन के ग्वालियर स्टेशन पहुंचते पहुंचते अंधेरा छा गया था, पर इस प्रेमी युगल के दिलो दिमाग में एक अछूते अनजाने एहसास को जी लेने का सुरूर छाता जा रहा था। स्टेशन पर उतरकर विवेक ने ऑटो रिक्शा किया। नई सवारियों को देखकर ही ऑटो रिक्शा वाले तुरंत ताड़ लेते हैं कि ये किसी लॉज में जाएंगे। कुछ देर ऑटो रिक्शा इधर उधर घूमता रहा, दोनों ने कई होटल देखे, फिर रुकना तय किया। होटल उत्तम पैलेस में ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर की सड़क पर रुकने के लिए होटलों की भरमार है। चूंकि आमतौर पर रेलवे स्टेशनों के बाहर की होटलें जोड़ों को रुकने के लिए मुफीद नहीं लगती, इसलिए विवेक और रश्मि को उत्तम होटल पसंद आया जो रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर रेस कोर्स रोड पर सैनिक पेट्रोल पंप के पास स्थित है। दोनों को यह होटल सुरक्षित लगा। ऑटो वाले को पैसे देकर दोनों काउंटर पर पहुंचे तो वहां एक बुजुर्ग मैनेजर बैठा था जिसकी अनुभवी निगाहें समझ गई कि यह नया जोड़ा है। मैनेजर पूरे कारोबारी शिष्टाचार से पेश आया और एंट्री रजिस्टर उनके आगे कर दिया। आजकल होटलों में रुकने के लिए फोटो आईडी अनिवार्य है, जो मांगने पर विवेक और रश्मि ने दिए तो मैनेजर ने तुरंत उनकी फोटोकॉपी करके अपने पास रख ली। खाना पूर्ति कर दोनों अपने कमरे में आ गए। 6 घंटों से दिलो दिमाग में उमड़ घुमड़ रहा प्यार का जज्बा अब आकार लेने लगा। दरवाजा बंद करते ही विवेक ने रश्मि को अपनी बाहों में जकड़ लिया और ताबड़तोड़ उस पर चुंबनों की बौछार कर दी।
एक पुरानी कहावत है, आग और घी को पास रखा जाए तो घी पिघलेगा, जिससे आग और भड़केगी। यही इस कमरे में हो रहा था। मंगेतर की बाहों में समाते ही रश्मि का संयम जवाब दे गया। जल्द ही दोनों बिस्तर पर आकर एक दूसरे के आगोश में खो गए। तकरीबन एक घंटे कमरे में गर्म सांसों का तूफान उफनता रहा। तृप्त हो जाने के बाद दोनों फ्रेश हुए तो शरीर की भूख मिटने के बाद अब पेट की भूख सिर उठाने लगी। रश्मि का मन बाहर जाकर खाना खाने का नहीं था, इसलिए विवेक ने कमरे में ही खाना मंगवा लिया। खाना खाकर टीवी देखते हुए दोनों दुनिया जहान की बातें करते आने वाले कल का ताना बाना बुनते रहे कि शादी के बाद हनीमून कहाँ मनाएंगे और क्या क्या करेंगे। एक बार के संसर्ग से दोनों का मन नहीं भरा था, इसलिए फिर दोनों एक दूसरे में खो गए, जिसमें उस एकांत का पूरा योगदान था जिसकी जरूरत एक अच्छे मूड के लिए होती है। इस बार दोनों ने वे सारे प्रयोग कर डाले जो वात्सायन के कामसूत्र, सोशल मीडिया और इधर उधर से उन्होंने सीखे थे। 2-3 घंटे बाद दोनों थककर चूर हो गए तो कब एक दूसरे की बाहों में सो गए दोनों को पता ही नहीं चला, और जब चला तब तक सुबह हो चुकी थी। रश्मि और विवेक दोनों के लिए ही यह एक नया अनुभव था जिसे उन्होंने जी भर जिया था। दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं रहा गया था, पर इस बात की कोई ग्लानी उन्हें नहीं थी क्योंकि दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे। सुबह अपना सामान समेट कर दोनों काउंटर पर पहुंचे और होटल का बिल अदा कर रिश्तेदार के यहाँ पहुंच गए। रश्मि ने चाहते हुए सभी रिश्तेदारों से विवेक का परिचय कराया, लेकिन दोनों यह बात छिपा गए कि वे रात को ही ग्वालियर आ गए थे और रात उन्होंने एक होटल में गुजारी थी। जाहिर है यह बात बताने की भी थी नहीं। उसी दिन शाम को दोनों वापस नोएडा के लिए रवाना हो गए। साथ में था एक रोमांटिक रात का दस्तावेज जिसे याद कर दोनों सिहर उठते थे और एक दूसरे की तरफ देख होले से मुस्कुरा देते थे। बात आई गई हो गई, पर दोनों के बीच व्हाट्सएप और फेसबुक की चैटिंग में वह रात और उसकी बातें और यादें ताजा होती रही। अब न केवल दोनों बल्कि उनके घर वाले भी शादी की तैयारियां और खरीदारी में लग गए थे। इन यादों से उबरते रश्मि की नज़र फिर से टैग की हुई इस लाइन पर पड़ी, अ सीक्रेट नाइट इन होटल। वह चौंक उठी कि अजीब इत्तफाक है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाले ने जैसे उसकी यादों को जिंदा कर दिया था। रश्मि की जिज्ञासा अब सबाब पर थी कि आखिर इस लाइन का मतलब क्या है। लिहाजा उसने कुछ सोचकर उस अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। जैसे ही उसने इस नए फेसबुक फ्रेंड का अकाउंट खोला, वह भौचक रह गई। भेजने वाले ने एक पैराग्राफ का यह मैसेज लिख रखा था, रश्मि जी, आपका कमसिन फिगर लाखों में एक है। जब से मैंने आपको देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है। वीडियो में आप एक लड़के को प्यार कर रही हैं। सच कहूं तो मुझे उस लड़के की किस्मत से जलन हो रही है। काश उस युवक की जगह मैं होता तो आप मुझे उसी तरह टूटकर प्यार करती। आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो अब वीडियो देखिए। अव्वल तो मैसेज पढ़कर ही रश्मि के दिमाग के फ्यूज उड़ गए थे। रही सही कसर वह वीडियो देखने पर पूरी हो गई, जिसमें उत्तम होटल के कमरे में उसके और विवेक के बीच बने संबंधों की तमाम रिकॉर्डिंग
कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही थी। वीडियो देखकर रश्मि पानी पानी हो गई। अब उसे लग रहा था कि उसने और विवेक ने जो किया था वह किसी ब्लू फिल्म से कम नहीं था। वह हैरान इस बात पर थी कि यह सब रिकॉर्ड कैसे हुआ, जबकि विवेक ने कमरे में दाखिल होते ही अच्छे से ठोक बजाकर देख लिया था कि कमरे में कोई कैमरा वगैरह तो नहीं लगा, पर जो हुआ था वह कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रहा था। वीडियो देखकर सकते में आ गई रश्मि ने तुरंत फोन करके विवेक को अपने घर बुलाया। विवेक आया तो रश्मि ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर वह भी झटका खा गया। यह तो साफ समझ आ रहा था कि वीडियो उसी रात का था, पर इसे भेजने वाले की मंशा साफ नहीं हो रही थी कि वह क्या चाहता है, सिवाय इसके कि वह गलत मंशा से रश्मि पर दबाव बना रहा था। दोनों गंभीरता पूर्वक काफी देर तक इस बिन बुलाए मुसीबत पर चर्चा करते रहे। बात चिंता की थी, इस लिहाज से थी कि अगर यह वीडियो वायरल हो गया तो वे कहीं के नहीं रह जाएंगे। दोनों अब अपनी जवानी के जोश में छिप कर किए इस कृत्य पर पछता रहे थे। लंबी चर्चा के बाद आखिरकार उन्होंने तय किया कि भेजने वाले से उसकी मंशा पूछी जाए, लिहाजा उन्होंने इस बाबत मैसेज किया तो जवाब आया कि अगर इस वीडियो को वायरल होने से बचाना है तो 2.5 लाख रुपए दे दो। अब तस्वीर साफ थी कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। विवेक और रश्मि दोनों निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से थे, इसलिए 2.5 लाख रुपए का इंतजाम करना उनकी हैसियत के बाहर की बात थी, पर होने वाली बदनामी का डर भी उनके सिर चढ़कर बोल रहा था। आखिरकार विवेक ने सख्त और समझदारी भरा फैसला लिया कि जब पॉकेट में इतने पैसे नहीं हैं, तो बेहतर है कि पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी जाए। दोनों अपने अपने घर से बहाना बनाकर बीती 1 मई को ग्वालियर पहुंचे और सीधे SP डॉक्टर आशीष खर्रे से मिले। मामले की गंभीरता और शादी के बंधन में बंधने जा रहे इन दोनों की परेशानी आशीष ने समझी और मामला पड़ाव थाने के TI को सौंप दिया। पुलिस वालों ने दोनों को सलाह दी कि वे ब्लैकमेलर से संपर्क कर किस्तों में पैसा देने की बात कहें। रश्मि ने पुलिस की हिदायत के मुताबिक ब्लैकमेलर को फोन करके कहा कि वह 2.5 लाख रुपए एकमुश्त तो देने की स्थिति में नहीं है, पर 5 किश्तों में 50,000 रुपए दे सकती है। इस पर ब्लैकमेलर तैयार हो गया। सीधे उत्तम होटल पर छापा न मारने के पीछे पुलिस की मंशा यही थी कि ब्लैकमेलर को रंगे हाथों पकड़ा जाए। ऐसा हुआ भी, आरोपी आसानी से पुलिस के बिछाए जाल में फंस गया और रश्मि से 50,000 रुपए लेते धरा गया। जिस युवक को पुलिस ने पकड़ा था उसका नाम भूपेंद्र राय था। वह उत्तम होटल में ही काम करता था। भूपेंद्र को उम्मीद नहीं थी कि रश्मि पुलिस में खबर करेगी, इसलिए वह पकड़े जाने पर हैरान रह गया। पूछताछ में उसने बताया कि वह तो बस पैसा लेने आया था, असली कर्ता धरता तो कोई और है। वह कोई और नहीं बल्कि होटल का 63 वर्षीय मैनेजर विमुक्तानंद सारस्वत निकला। उसे भी पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों ने पूछताछ में मान लिया कि उन्होंने इस तरह कई जोड़ों को ब्लैकमेल किया था। भूपेंद्र ने बताया कि इस होटल में उसे उसके बहनोई पंकज इंगले ने काम दिलवाया था। काम करते करते भूपेंद्र ने महसूस किया कि होटल में रुकने वाले अधिकांश कपल सेक्स करने आते हैं, लिहाजा उसके दिमाग में एक खुराफाती बात वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की आई, जिसका आइडिया
एक क्राइम सीरियल से उसे मिला था। उपेंद्र ने दिल्ली जाकर नाइट विजन कैमरे खरीदे, जो आकार में काफी छोटे होते हैं। इन कैमरों को उसने टीवी के ऑन ऑफ स्विच में फिट कर रखा था। इससे कोई शक भी नहीं कर पाता था कि उनकी हरकतें कैमरे में कैद हो रही हैं। आम तौर पर ठहरने वाले इस बात पर ध्यान नहीं देते कि टीवी का स्विच ऑन है, क्योंकि इससे कोई खतरा रिकॉर्डिंग का नहीं होता। ग्राहकों के जाने के बाद भूपेंद्र कैमरे निकाल कर फिल्म देखता था, और जिन लोगों ने सेक्स किया होता था उनके नाम पते होटल में जमा फोटो आईडी से निकाल कर फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर सीधे मोबाइल फोन के जरिए ब्लैकमेल करता था। दोनों ने माना कि वे ब्लैकमेलिंग के इस धंधे से लाखों रुपए अब तक कमा चुके हैं। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामला उजागर हुआ तो ग्वालियर में हड़कंप मच गया। पता यह चला कि कई होटलों में इस तरह के कैमरे फिट हैं और ब्लैकमेलिंग का धंधा बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। इस तरह की रिकॉर्डिंग के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन भी किया। इस पर पुलिस ने कई होटलों में छापे मारे, पर कुछ खास हाथ नहीं लगा, क्योंकि संभावना यह थी कि भूपेंद्र की गिरफ्तारी के साथ ही ब्लैकमेलर्स ने कैमरे हटा दिए थे। हालांकि उम्मीद बंधती देख कुछ लोगों ने पुलिस में जाकर अपने ब्लैकमेल होने का दुखड़ा रोया। जब यह सब कुछ हो गया तो विवेक और रश्मि बेफिक्री से नोएडा वापस चले गए और दोबारा शादी की तैयारियों में जुट गए। पर एक सबक इन्हें मिल गया कि हनीमून मनाते वक्त होटल में इस बात का ध्यान रखेंगे कि टीवी के खटके में कैमरा ना लगा हो, और घर आने के बाद फिर फेसबुक पर यह मैसेज ना मिले कि ए सीक्रेट नाइट इन होटल। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सच्ची कहानी? आई होप आपको पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर, और अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके।